तो हिस्टोरिकली मटन तो घर में पकता ही है, सीजन कैरी की है, कैरी यानी मैंगो की है, तो कैरी डाल देते हैं, डाल के देखते हैं। माय डैडीज मॉम, उन्होंने मेरी मम्मी को सिखाया, ओके, उसको देख के मैं सीखी। शी वाज फ्रॉम अंकलेश्वर भरूच एरिया, दे आर कुकिंग कुनाल इज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, इज वास्टली डिफरेंट एंड आई फील इट इज वेरी टेस्टी आल्सो। तो ये जो डिश हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं वो एक पारसी डिश है, एक यूनिक और रेयर पारसी डिश है, जहां मैंगोज, अनियंस और मटन एक साथ कुक होता है। और इसके लिए मैं जा रहा हूं मारुक मोगरेला के घर, और वो बनाने वाली है केरी कांडामा गोस। तो चलो मारुक को मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि इसके अलावा खाने में क्या है। लेकिन याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, उंगली उंगली सिर्फ बटन पे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब मारुक से मिलते हैं। तो मेरे साथ है मारुक, मारुक मोगरेला, और जैसे आप देख सकते हो मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पुराने पारसी घर में हूँ। आपका जो ब्लू कलर का जो टॉप है वो भी टिपिकली पारसी है, हाँ, और इसलिए मुझे पता है कि जो खाना खाने वाला हूँ उसमें भी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पारसी टेस्ट होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊँ कि मारुक ये डिश कैसे बनाती है, उनसे पूछते हैं इस डिश के बारे में। मारुक, पहले तो मेरा सवाल ये है कि हम लोग तो बम्बई में रहते हैं, बम्बई में बहुत सारे पारसी हैं, ओके, और मैंने बहुत सारे पारसियों के घर में खाना भी खाया है, लेकिन आपका जो खाना है वो कुछ अलग ही है। सो मैं एक बहुत छोटे होम टाउन से हूँ, नवसारी, इट इज इन गुजरात। सो मेरा इन्फ्लुएंस जो फूड से है, खाने से है और खाना बनाने से है, इट इज मोस्टली यू नो अ रस्टिक टाइप, रूरल टाइप पे। रूरल टाइप, पहले तो पारसी और गांव, ये दो शब्द कभी नॉर्मली हम इमेजिन yes. नहीं कर सकते, लेकिन आज हम यहाँ है yes, बम्बे में। लेकिन आप जो डिश बना रही हैं yes. वो टिपिकली रूरल अंकलेश्वर भरूच साइड से है। ये जो कहते हैं केरी कांदामा गोस, केरी इज मैंगो, मैंगो, कांदा मींस अनियंस, न्यू अनियंस व्हिच कम इन दिस सीजन, वी कुक विद दैट। एंड अगेन बीइंग अ पारसी वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर वेजिटेरियन डिश, हमको वेजिटेरियन में भी कुछ मटन डालना है, नहीं तो वेजिटेरियन के ऊपर अंडा बनाना है, ये हमारा दिस आर आर जीन्स, दिस आर वॉट पारसीज आर। करेक्ट। सो अभी जो कैरी का सीजन है तो कैरी में गोश्त डाल दिया होगा दादियों ने, तो हम लोग अभी ये करते आ रहे हैं। कैरी में गोश्त डाल दिया होगा या गोश्त के अंदर कैरी डाल दी होगी, पॉसिबली या घड़ी के बेल्स जा रहे हैं, बिग बैंग के, हाँ जी, इसका मतलब वो भी पारसी के पारसी घर में रहता ही है। और मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि कुकिंग टाइम हो गया, कुकिंग टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया। चलो चलो तो पहले पकाते हैं फिर खाते हैं। सो पहले हम लोग ऑयल डालेंगे, पीनट ऑयल, अगेन वी आर पुटिंग दिस सॉल्टेड अनियंस में रख रही हूँ, अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट, वी आर पुटिंग लाल कश्मीरी चिली, सिनेमम एंड लिटिल बिट ऑफ पेपरकॉर्न्स। नाउ वी विल पुट द मटन इन टू इट, ये भी मटन का अभी देखो कलर कैसे बदल रहा है, पिंक से व्हाइट बन रहा है, बन रहा है, यानी बाहर से सियर हो रहा है पूरा मटन। ये ऐसा हो जाए बाद में ही मसाला डालने का, बाद में ही नमक डालने का, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कुणाल, कि हम लोग जो ये बर्तन यूज कर रहे हैं दे आर कलाई का बर्तन, कलाई दे हैव देयर ओन टेस्ट एंड दे इम्पार्ट वेरी गुड टेस्ट टू द फूड एंड दे आर दिस आर ऑल एंटिक्स। इफ यू रीड दिस, दिस इज मेड इन 1932। योर नाउ हमारा मटन हो गया है, सो लिटिल बिट लेस ऑफ द
फ्लेम एंड वी आर पुटिंग फुल अनियन, फुल अनियंस, ऐसे ही रख देने का है। अच्छा, तो दो किस्म के प्याज जाते हैं इसमें, कटा हुआ जो सौते किया हुआ प्याज है और फिर आधा आधा काटा हुआ अखा अखा प्याज, अखा प्याज, क्योंकि वो खुद गल जाएगा। और ये प्याज में भी थोड़ी स्वीटनेस रहती है। अभी हम लोग मसाला डालेंगे, ये हर पारसी के घरों में मिलता है, वो है सांभर का मसाला। इसमें कश्मीरी चिली है, तिक्खट चिली है, लहसुन है, जीरा है, मेथी है, various I think 32 herbs goes into making this. And can this be bought in the market anywhere? It is bought in the market. Of course, it is available. अभी ये कश्मीरी चिली पाउडर है, जस्ट टू गिव द कलर। ओके, सो दिस इज नॉट द तीखा वन। नॉट द तीखा वन, पारसी धनसाक मसाला। और सी पुट धनसाक मसाला, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। एंड दिस इज अगेन अ वेरी तीखट चिली पाउडर, चिली पाउडर, राइट? दिस इज द कलर चिली पाउडर, तीखट चिली पाउडर। एंड दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर एंड क्यूमिन, धाना जीरा पाउडर, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, दैट्स ऑल। लेट इट कुक एंड व्हेन इट गेट्स कुक एंड पानी छोड़ेगा, कांदे अपना पानी छोड़ रहा है, तभी आप लोग थोड़ा पुदीना डाल दीजिए। ओके, थोड़ा पुदीना डाल दीजिए। और अभी क्या, अभी के सीजन में वी डोंट नो वेदर द कैरी अच्छी है कि नहीं, दैट इज व्हाई मैं ये काटती हूँ, नहीं तो नॉर्मली अक्खा ही कैरी अंदर जाता है। मैं खाली देखने के लिए कैरी काटती हूँ कि ये अच्छी है कि नहीं। तो आधी काट के डाली है अंदर, क्योंकि चेक करने के लिए कि कैरी यानी अल्फांसो मैंगो जो है, उसका मैंगो अच्छा है, अच्छा है कि नहीं। और ये जो कटा हुआ भी है वो डाल देते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी फिर से। ओके, एंड वी विल गेट अ ग्रेवी, राइट? एंड द रेस्ट ऑफ द होल मैंगो, सो इतने सा, इतने इतना सा मटन जो है उसमें तीन पूरे आपूस के मैंगोज गए हैं। दिस इज लुकिंग यम्मी। हो गया। एंड अभी थोड़ा मिरी पाउडर, थोड़ा पेपर पाउडर, पेपर, पेपर पाउडर। एंड ये है हमारा अगेन स्पेशल गरम मसाला जो हम लोग ही बनाते हैं। अच्छा, यू कैन जस्ट स्मेल इट, सी हाउ इट इज नाइस, दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट, वेरी लिटिल। तो मारो बहुत सारे थोड़े 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 मसाले जाते हैं, थोड़े थोड़े करके इतना हो गया बस। और अभी थोड़ा नमक, नमक आखिर में जा रहा है क्योंकि नमक पहले डालोगे तो पानी छूट जाएगा। हाँ, पूरा। हाँ जी, हाँ जी, बस हो गया। तो कांदा केरी मा गोश्त अभी पक रहा है, मटन है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। अब सोचिए आप दिमाग में, ये मटन का स्वाद है, इसमें मसालों का स्वाद है और मीठा मीठा आम, अल्फांसो आम है। अगर आपको ऐसे ही एपिसोड्स देखने हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मैं और एपिसोड्स लेकर आऊंगा। तो अभी इसमें पानी डालते हैं और ढकते हैं और रुकते हैं और फिर खाते हैं रोटी के साथ, रोटी के साथ। ओके, मैंने सोचा था कि कांदा केरीमा गोश है, लेकिन यहाँ बहुत सारा खाना है। ये तो मटन धनसक, यस, पारसी के यहाँ आओगे तो फिर मटन धनसक तो आपको खाना ही पड़ेगा, खाना साथ ही पड़ेगा। में कबाब भी खाना पड़ेगा। और ये कबाब किसके है? ये कोलमी के कबाब है, झींगे के, प्रॉन्स के कबाब है। हाँ, तो कांदा केरीमा गोश, मटन धनसक विद ब्राउन राइस, यस, कचुम्बर विदाउट विच नो धनसक कैन बी ईटन, एंड रोटी, रोटी। तो कहाँ से शुरू करूँ मैं? कांदा केरी से शुरू कीजिए और साथ में एक रोटी भी ले लीजिए। चलो पहले रोटी, थैंक यू। रोटी, तो ये देखिए मेरे नसीब में नली आती ही है, मैं कहता हूँ हमेशा नली। तो ये है गोश और मैं ये केरी, केरी, अरे वाह, तो ये पूरा मैंगो ही आ गया, थैंक यू। तो जो वो फ्राइड अनियंस भी थे और आधे अनियन भी, सब अंदर आ गए, यहाँ आ गए ना। ये कैरी का सीड है यहाँ, इसमें से थोड़ी कैरी लेता हूँ ऐसे। अभी मैं बराबर से मिक्स करके दोनों को, थोड़ा रोटी के साथ, थोड़ी रोटी लेता हूँ और फिर मैं उंगलियों से ही खा रहा हूँ, बहुत अच्छा, डोंट माइंड।
नहीं नहीं वो सबसे अच्छा है, स्वाद और आएगा। जिंदगी में पहली बार जी मैं अल्फोंसो मैंगो, पूरा राइप अल्फोंसो मैंगो और गोश्त के साथ खा रहा हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली रियली नाइस, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो प्लीज आप भी लीजिए। हाँ जी हाँ। इसके ऊपर हमने हरा मिर्ची और कोरिएंडर लीव्स का तड़का लगाया। अच्छा, लास्ट में कोरिएंडर और मिर्ची, तीन चार हरी मिर्ची टिक्की। तो इसमें प्याज का सॉफ्टनेस है। यस, पूरा प्याज जो तला हुआ है वो सॉफ्ट हो गया है। मैंगो का स्वीटनेस है, मैंगो का जो फ्लेश है वो भी ग्रेवी के साथ मिक्स होके, जो आपने मैंगो काटा था वो भी अंदर आ गया, एक थिकनेस आती है। हाँ जी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट। और जैसे आम खाना चाहिए, जैसे आम हम हमेशा खाते हैं, वैसे ही ये आम की गुठली जो है मैं ऐसे ही खाने। आम की गुठली ऐसे खाते हैं, नहीं तो मजा कैसे आएगा। हाँ हाँ, थोड़ा पानी पीते हैं। अब मैं थोड़ा धनसाक लूंगा। वो नली है इसमें? इसमें नली है, है, मैंने देखी थी, मैंने भी देखी थी। और बगैर कचुंबर की तो धनसा खाया ही नहीं जाता। सुपर्ब। और कबाब, और कबाब। आप ये जो नॉर्मली कबाब बनता है प्रॉन का, तो प्रॉन मिंस करके डालते हैं। हाँ जी। आपने तो पूरी प्रॉन डाला है अंदर। हम लोग आधा प्रॉन्स पूरा मिक्स कर देते हैं, इट इज मेड इनटू पेस्ट। ओके। एंड आधा प्रॉन्स वी मिक्स इट इनटू द पेस्ट। ओह। एंड देन उसके कबाब बनते हैं। तभी ऐसा मुंह में लगना चाहिए कि प्रॉन खा रहा हूं। खा रहा हूं। नहीं तो लगेगा कि ऐसे कुछ खीमा खा रहा हूं मैं। नहीं खीमा तो नहीं, पर लेकिन प्रॉन्स का नो फन। आई फील के देयर शुड बी अ बाइट टू द कबाब। एब्सोल्युटली राइट। चलो अब धनसाक, गोश्त के साथ धनसाक, कचुंबर डाल के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले तो दाल थिक है। हाँ जी। मसाला है उसमें, थिक है मसाला। इट्स वेरी नाइस धनसाक, आई मस्ट से। एक इनोसेंस है इस खाने में, एक ट्रेडिशन है। या ट्रेडिशन, यस ट्रेडिशन। एंड इट्स मेड वेरी सिंपल, एज यू सी एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। उसमें कुछ ज्यादा मसाले भी नहीं है। जो आपके डब्बे में है वो डालो, हो गया, और प्यार से बनाओ। चलो अभी ये मैं खत्म करने वाला हूँ, लेकिन पहले मारुक को थैंक यू बोलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच मारुक, वेलकम। बहुत मजा आ गया। आज एक नई डिश मैंने सीखी, आपने भी नई डिश सीखी होगी। थिंक अबाउट इट, कभी सुना था क्या आपने कि मैंगो के साथ प्याज और मटन पकता है? वाह, सुपर्ब। थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज 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 शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं जाते, फ्री है सब्सक्रिप्शन। और आते रहिए
खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है? एक शायरी आ रही है कि जाऊं मैं किसी भी गली, मुझे हर जगह मिलती है नली. सॉरी माय अपोलॉजीज. It's out of the world. I'm just Dhansa. It's probably the final Dhansa I've eaten. Really, really good.